नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। सिख दंगे के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाएगी एसआईटी। 38 साल बाद सिखों को मिला इंसाफ, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। कावड़ यात्रा में मां भाई को कंधे पर उठाकर निकले, हरिद्वार से बुलंदशहर तक 180 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यूपी के महाधिवक्ता भवन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, फायर ब्रिगेड के दो कर्मी भी झुलसे। बदायूं में युवक पर किया हमला, कावड़ यात्रा निकाले जाने पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया था आरोप, चार पर मुकदमा। सुल्तानपुर में महिला कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो वायरल, साथ ही पुलिस कर्मियों ने बचाई जान, दोषी महिलाओं का शांति भंग में किया चालान। बेसिक शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, सरकारी स्कूलों को सेना की तैयारी कर रहे युवाओं की तलाश, बच्चों में खेल की प्रतिभा को निखारने का प्रयास। ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर में 6 की मौत, रामपुर में बाईपास पर ट्रक से लड़ी बस। चंदौली में इंडियन बैंक के सीएमडी सहित 7 पर मुकदमा, लॉकर से आभूषणों के चोरी के बाद वसूला किराया। आरएसएस प्रचारक के सामने होगी पुलिस की परेड, संघ प्रचारक को पीटने वाले पुलिस कर्मी उनके सामने परेड कराकर कराएंगे पहचान। मुरादाबाद में फर्नीचर कारोबारी के घर बुलडोजर चलाने वाले एसडीएम हटे, दोषी पाए जाने पर मुरादाबाद के डीएम ने की कार्रवाई। डीपीटी के कामों पर लापरवाही पर कार्रवाई, बीएसए ने रोका 10 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन। सीतापुर में चोर की पिटाई पर 3 लोगों पर केस, नाबालिग चोर को खंभे से बांध कर था पीटा, दरोगा की तहरीर पर 3 पर मुकदमा दर्ज। लुलू मॉल में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद, लखनऊ में 4 बार प्रदर्शन, 1 FIR, 100 से ज्यादा पर एक्शन। अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम से वसूला 21,000 का जुर्माना, जनता की शिकायतों पर टीपी नगर में पहुंची मेरठ नगर निगम की टीम। बाराबंकी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, खाली कराई गई वन विभाग की जमीन, सरकारी जमीन पर था हिस्ट्री शीटर का कब्जा। भदोही में डीएम ने भूजल संरक्षण की दिलाई शपथ, बोले वर्षा का जल संचयन कर बढ़ाया जा सकता है भूगर्भ जल स्तर। स्कूल खुला तो गड़ासे से काट डालूंगा, धारदार हथियार लेकर सरकारी स्कूल में घुसा युवक, प्रिंसिपल को दी धमकी, गिरफ्तार। मऊ में युवक की चाकू और हथौड़े मारकर हत्या, हमलावरों ने फोन कर बुलाया था घर से, बना रहे थे केस वापस लेने का दबाव। फरुखाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, ऑटो व बाइक की हुई टक्कर, पुलिस ने कब्जे में लिया ऑटो। सौतेली माँ ने किशोरी के ऊपर फेंकी खौलती चाय, किया नजरबंद, पीड़िता के मामा ने हत्या करने का लगाया आरोप। ललितपुर सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, अंधा जानवर और बाइक सवार की हुई थी टक्कर, पीछे से आए वाहन ने कुचला। महिलाओं ने रचाया निगम का बुलडोजर, मेरठ में 1,000 गज जमीन पर अति आक्रमण करने पहुंची थी निगम की टीम। कासगंज में इंटर कॉलेज के शिक्षक की हत्या, 1 साल से नहीं मिल रहा था वेतन, स्कूल प्रबंधक से गया था मिलने। हाजी इकबाल के परिवार पर कसा शिकंजा, फरार चल रहे बसपा के पूर्व MLC महमूद मुंबई से अरेस्ट। कुशीनगर का दबंग SMI 30% कमीशन और चेक से पेमेंट, परेशान कट्टेदारों ने थाने में दर्ज कराया केस। यूपी में 10 IPS के ट्रांसफर, कन्नौज SP हटाए गए, IG से ADG प्रमोट हुए 2 अफसर सहित 5 सीनियर का भी तबादला। देवरिया में 20 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे थे, वेतन की होगी रिकवरी। किशोरी से 4 युवकों ने किया गैंगरेप, बरेली में शुक्रवार को स्कूल गेट से अपहरण, शनिवार को मजार के पास छोड़ा, 2 गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, सिपाही को भी लगी गोली, SRN अस्पताल में चल रहा इलाज।
कांवड़ ड्यूटी न करने वालों पर होगा एक्शन। DM SSP ने किया कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण। अलीगढ़ में गौशालाएं सरकार के मंसूबे पर फेर रही पानी, बद से बदतर होती जा रही हैं गौशालाएं। बदायूं में सांड का आतंक जारी, खेत पर काम कर रहे बुजुर्ग को आवारा सांड ने मार कर किया लहूलुहान। बुलंदशहर में बारिश के तेज पानी से नाले के समीप बनी पगडंडी बही, नगर से पानी निकासी में ना हो रुकावट। गाजियाबाद में लोनी पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। बदायूं में धड़ल्ले से बिक रही ओवर रेटिंग शराब, सेल्समैन में नहीं है किसी भी अधिकारी का डर। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान फरार अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा कारतूस बरामद। मऊ में सरयू नदी से निकला चांदी का भारी भरकम शिवलिंग, पूजा करने उमड़ी लोगों की भीड़। संबल में किसान यूनियन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर बोला हमला, कहा राकेश टिकैत दलाल और चाटुकार है। बुलंदशहर में DM व SSP ने कांवड़ मेला की तैयारियों का लिया जायजा, बोले कांवड़ियों को ना हो परेशानी। मैनपुरी में SDM के आदेश पर अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त, तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में वायरल से पीड़ित मरीजों की बढ़ रही तादाद, परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में किए गए इंतजाम। मथुरा में पुलिस और SOG की मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश घायल, पुलिस कस्टडी में, अस्पताल में चल रहा है इलाज। श्रावस्ती में संदिग्ध कारणों से युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अम्बेडकर नगर में चलती ट्रक में अचानक लगी आग, आग का गोला बन दौड़ने लगी ट्रक, गाड़ी रोक कर ड्राइवर और कॉलिंजर ने कूद कर बचाई जान। अमेठी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत। बुलंदशहर में नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से निकाला, अज्ञात शव की पहचान में जुटी पुलिस। गोंडा में पावर हाउस पहुंचकर संविदा कर्मियों के साथ अभद्रता करना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया FIR। कन्नौज बम्बा की पुलिया में फंसा मिला अज्ञात शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर चलती ट्रक में घुसी कार, हादसे में पिता की हुई मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। गोंडा में स्कूल जा रही युवती का दिन दहाड़े अपहरण, युवती के अपहरण से इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी की धरपकड़ में जुटी पुलिस। कानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, झगड़े में कई लोग हुए घायल। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में मोटरसाइकिल चढ़ने से हुआ विवाद, विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। संत कबीर नगर में कोर्ट के द्वारा जारी NBW का पालन नहीं कर पा रही पुलिस। उन्नाव में पुरानी रंजिश में लाइव मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, घर के बाहर हुई मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। संत कबीर नगर में कलयुगी पुत्र ने अपनी मां को चाकू मारकर की हत्या, पत्नी के मायके जाने को लेकर काफी दिनों से था नाराज युवक। झांसी में प्रधान के भतीजे को गोली मारी, चुनावी रंजिश में 3 युवकों की वारदात, युवक की हालत नाजुक। सुभाषपा की बसपा से गठबंधन की तैयारी, राजभर वाराणसी में बोले अखिलेश के साथ है, वनाता तोड़ेंगे तो मायावती से करेंगे बात। शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर फैलाई दहशत, दो युवकों ने बाइक में जलवाया पेट्रोल, कम डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद।
नोएडा में सड़क हादसे में दरोगा की मौत। मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जांच के लिए मेरठ जा रहे थे दरोगा। मधुबन में हाई स्कूल की छात्रा ने खुद को मारी गोली, पिता के लाइसेंसी बंदूक का किया प्रयोग। एक महीने पहले बुआ के बेटे ने भी की थी खुदकुशी। बिजनौर में 20 जुलाई को होगी महिला जन सुनवाई, लगेगा जागरूकता चौपाल। डीएम ने महिलाओं से पूछने की अपील। चलती गाड़ी पर युवक ने किए पुशअप, लखनऊ में आधी रात स्टंट करता नजर आया अनजान युवक, राहगीर ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद में युवती का मर्डर, मझोला में बिशनपुर रेलवे फाटक के पास मिला शव, चेहरे और गले पर चोटों के मिले निशान। सीएम योगी ने डिजिटल भोजन वैन को किया रवाना, बुंदेलखंड के 10 जिलों में पानी बचाने के प्रति किया जाएगा जागरूक। युवक को आरपीएफ कर्मियों ने पीट पीट कर मार डाला, अमरोहा में रेलवे लाइन पर मिला शव, चौकी इंचार्ज समेत 7 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज। चंदौली में फंदे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, पुलिस के समझाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सौंपा। आगरा में चैन स्टेजर्स का दुस्साहस, थाने के सामने से युवती को लूटा, रोकने पर पिता पर किए फायर। मेरठ सड़क हादसे में दिल्ली के कांवड़िए की मौत, डीसीएम पर सेल्फी लेते समय गाड़ी से गिरा रोड पर कांवड़िया। मंदिर में गाय का कटा सिर मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने मीट की दुकान में लगाई आग, सड़क पर लगाया जाम, डीएमएसपी नपे। सीतापुर में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, शारदा नदी के सहायक नहर में मछली पकड़ने गए थे 4 दोस्त। कौशाम्बी में दलित वृद्ध महिला को प्रधान ने पीटा, घर के सामने खड़ंजा बनवाने का विरोध करने पर भड़का। गोरखपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी की बोगियां, रूट बंद होने से 1 घंटे खड़ी रही ट्रेनें। महाराजगंज में बारिश के लिए सभासद ने मांगी दुआ, सूखे खेत में बैठ कर की प्रार्थना, बोले अल्लाह रहम कर। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।